दोस्तों, इस मल्टी कलर टेबल लैम्प को 3D प्रिंटर से प्रिंट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो है करना पड़ेगा, यानी कि इसका जो STL फाइल है वो बनाना पड़ेगा। तो STL फाइल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये चूज़ करना होगा कि आप कौन सा फ़ोटो को आप इस मून लैम्प या टेबल लैम्प के ऊपर प्रिंट करना चाहते हो। और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो इस पिक्चर को अपने इस टेबल लैम्प के ऊपर मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो ये मैंने सिलेक्ट कर दिया हूं और एक जगह पे मैं रख दिया हूं। उसके बाद आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएंगे, जहां पे आपको हमारा ब्लॉग साइट मिल जाएंगे और उस ब्लॉग साइट के अंदर सारे जानकारी दिया हुआ है कि आपको किस तरीके से क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। तो जब आप वो सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो उस समय आपको एक इस प्रकार के एक वेबसाइट मिलेंगे और यहाँ पर आपको अपना जो पिक्चर को अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर चूज़ पिक्चर और चूज़ फाइल जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप जिस फ़ोटो को प्रिंट करना चाहते हो वो फ़ोटो को आपको यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है और इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वो फ़ोटो देखने को मिल जाएंगे। तो फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर जो मून बैकग्राउंड लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो मून जो है वो अच्छे से नहीं बनेगा। उसके बाद ही आपको सारे कुछ करना है। और फोटो को इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ साइज़ का चेंजेस करना पड़ेगा और ये चेंजेस क्या क्या करना होगा आपको हमारे वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे, आपको इस वीडियो के अंदर भी बता देता हूँ। सबसे पहले बॉक्स से यहाँ पे आपको 0.25 है तो यहाँ पे सेम रखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 140 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा 120 mm। उसके बाद पिक्चर एंगल ऐसा ही रहने दीजिए। उसके बाद और भी कुछ चेरकानी नहीं करना पड़ेगा आपको, लेकिन यहाँ पर जो सिलेंडर आउटर डायमीटर है यहाँ पर आपको चेंजेस करना पड़ेगा। सिलेंडर आउटर डायग्राम यहाँ पे जो ऑटो दिया हुआ है 70, यहाँ पे आपको 50 कर देना है। उसके बाद सिलेंडर हाइट 25 है, यहाँ पे आपको 15 कर देना है, यानी कि 15 कर देना है। सिलेंडर का थिकनेस आपको 5 रहना देना है और सिलेंडर का आउटर डायमीटर यहाँ पे भी आपको 50 कर देना है, 75 करा हुआ है आपको 50 कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको कहीं पे भी कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्रिएट STL फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आउटर दिस फील्ड, यानी कि यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देने के लिए पूछेगा, तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे क्रिएट STL फाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो STL फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ टाइम लेगा कि आपका STL फाइल को क्रिएट करने के लिए, तो आपको लगभग 1 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा ये फाइल जो है कंप्लीट ना हो जाए। यहाँ पे देखिए कुछ सेकंड्स के अंदर हमारा ये फाइल जो है डाउनलोड हो चुका है, तो सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद आपको इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेना होगा, तो मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएंगे और इस फाइल को आपको क्यूरा पे लेके जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्यूरा ओपन कर देता हूँ। तो अल्टीमेट क्यूरा पे आने के बाद आपको सिंपली वो STL फाइल हमने डाउनलोड करा था उसको यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ और उसके बाद जो है सारे सेटिंग्स आपको करने के बाद यहाँ पर क्या होगा कि अल्टीमेट क्यूरा का काम क्या है आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे इसको स्लाइसिंग किया जाता है कि लेयर बाय लेयर किस तरीके से प्रिंट होगा, सारे चीज़ यहाँ पे करा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे स्लाइस करना है और स्लाइस करने के बाद अपना जो जी कोड फाइल है इसको आपको मेमोरी कार्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना होगा, उसके बाद आपको प्रिंट कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों और एक 2 फाइल की आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसका जो बेस है वो भी हमें बनाना पड़ेगा और इसके अंदर जो लाइट लगाएंगे वो भी हमें बनाना पड़ेगा। तो वो दोनों का फाइल का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमारे ब्लॉग साइट से वो दोनों फाइल डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो हमारा फाइल है ये फाइल कंप्लीट स्लाइस होने के बाद सिंपली आपको अपना जो मेमोरी कार्ड है उस मेमोरी कार्ड के अंदर इसको सेव कर लेना है और उसके बाद हमारा जो बाकी 2 फाइल्स है वो किस तरीके से दिखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आपको यहाँ से डिलीट कर देना होगा, उसके बाद आपको फिर से इंसर्ट करना पड़ेगा और इंसर्ट करने के बाद वो जो फाइल है वो फाइल यहाँ से आपको इंसर्ट करना होगा और सेम टू सेम प्रोसेस के जरिए आपको ये दोनों फाइल को भी प्रिंट करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 2 फाइल एक साथ हुआ है, लेकिन आप अलग अलग से भी प्रिंट कर सकते हो, कोई बात नहीं। हमने इसको अलग अलग फाइल के जरिए जो है बना के रखा हूँ, आप सिंपली हमारे साइट से डाउनलोड कीजिए और सेम टू सेम ये प्रिंट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप चलते हैं हमारे प्रिंटर के ऊपर और उसके बाद इसको प्रिंट करने के बाद आपको किस तरीके से इसको असेंबल करना है वो आपको दिखाता हूँ।
तो हमारा जो प्रिंटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे बड़ा वाला ये हमारा लैंप है जिसके अंदर हम लाइट जलाएंगे, और इस लैंप के ऊपर हमने जो मोबाइल से लिया हुआ फोटो को प्रिंट करा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। लाइट जलने के बाद और भी अच्छे से आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ लाइट को जलाने के लिए ये हमारा एक होल्डर है, इसके अंदर हम लाइट को लगाएंगे, और उसके बाद एक बेस है जो कि ये हमारा लैंप इसके ऊपर स्टैंड करके रहेगा। और इस लैम्प को बनाने के लिए हमारे को और दो तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये WS28 ON2B पिक्सल LED, अगर आपको इसको परचेस करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हो। उसके साथ साथ हमें एक DC जैक की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे देखिए। उसके साथ एक पुश बटन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये पुश बटन। उसके बाद दोस्तों हमारे को एक पिक्सल LED कंट्रोलर की ज़रूरत होगी, जो कि मेरे हाथ में है, देख सकते हो। बहुत ही छोटा सा ये हमारा पिक्सल LED कंट्रोलर है, और ये कंट्रोलर मैंने किस तरीके से बनाया हूँ डिज़ाइन करके, इसके ऊपर एक टोटल जानकारी वीडियो मैंने डाल के रखा हूँ, ऊपर आई बटन पर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इस तरीके का पिक्सल LED कंट्रोलर बनाना चाहते हो तो जाके आप वो वीडियो देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको फास्ट एंड फॉरवर्ड में आपको दिखा देता हूँ कि ये हमने एक्चुअली किस तरीके से बनाया हूँ। पिक्सल LED कंट्रोलर को बनाने के लिए सबसे पहले ये GDA पे गया, उसके बाद ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है इसको हमने एक PCB में कन्वर्ट करा, और PCB को कन्वर्ट करने के बाद ये उसका 3D लुक है, यानी कि इस तरीके से हमारा PCB बनेगा। उसके बाद हमने क्या करा, इस PCB का जो गर्वर फाइल है, उसके साथ साथ जो बोम फाइल और पिक एंड प्लेस फाइल है, सब कुछ हमने डाउनलोड करा, और डाउनलोड करने के बाद हमने गया JLC PCB पर इसको ऑर्डर करने के लिए, ये SMT सर्विस के लिए। तो यहाँ पे JLC PCB में जाने के बाद हमने यहाँ पे कोड नाउ पे क्लिक करा, उसके बाद हमने जो गर्वर फाइल डाउनलोड करा था यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पे अपलोड गर्वर फाइल को करना है, और गर्वर फाइल को अपलोड करने के बाद आपको कलर क्वांटिटी थिकनेस पैरामीटर सब कुछ सेट करके आपको नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको SMT सर्विस में ऑर्डर करने वाला हूँ। इसीलिए हमको क्या करना है, नीचे आपको JLC PCB की तरफ से ऑप्शन मिल जाएंगे SMT असेंबली के लिए, इसको आपको ऑन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है सब कुछ, उसके बाद कंफर्म कर देना है, और कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे जो पिक एंड प्लेस फाइल है और बोम फाइल है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली जो हमने 3 फाइल अपलोड करा था, डाउनलोड करा था, उसके अंदर से ये हमें मिल जाएंगे बोम फाइल और पिक एंड प्लेस फाइल, ये सब कुछ आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, और चाहे तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपना किस चीज़ के लिए PCB बना रहे हो। उसके बाद जो जो हमारा कंपोनेंट्स इस असेंबली प्रोसेस के लगेंगे उसको सब कुछ सेट करके आप नेक्स्ट कर दीजिए, उसके बाद इस PCB को ऑर्डर कर दीजिएगा। ऑर्डर करने के कुछ दिन के अंदर ही आपको ये PCB मिल जाएंगे। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से हमने इस पिक्सल LED कंट्रोलर का वो बनाया था। तो चलिए आप दोस्तों इस LED ड्राइवर के अंदर कोड डाल देता हूँ, जिस कोड के जरिए हम इस RGB LED को कंट्रोल करेंगे। हम अपने हिसाब से इसके अंदर कलर्स डालेंगे, और उसके बाद मैं इसको असेंबल करके दिखाता हूँ। और सारी जानकारी दोस्तों, कोड वगैरह जो भी आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके जो है सारे चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हमें दोस्तों ये जो हमने पिक्सल LED कंट्रोलर बनाया हो इसके अंदर कोड डालना पड़ेगा। तो ये जो आप कोड देख रहे होंगे इसी कोड को हम इसके अंदर अपलोड करेंगे, और कोड अपलोड करने का जो तरीका है मैंने एक पिछले वीडियो के अंदर डिटेल में बता के रखा हूँ कि ये जो हमने PCB कंट्रोलर या जो पिक्सल LED कंट्रोलर बनाया हो इसके अंदर कोड किस तरीके से अपलोड किया जाता है। वो वीडियो देख लोगे तो आपको पूरा पानी के जैसा क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर प्रोग्राम डालने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। चलिए जल्दी से मैं इसके अंदर प्रोग्राम को अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद इसको आगे की जो प्रोसेस है वो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा कोड सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, अब बढ़िया थे इसको पूरा सेटअप करना।